हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा और उस पर अप्लाइड क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या कहता है। तो डिफिनेशन इसका याद है कि एल्गोरिथम इज एक्सप्रेशन और सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स ए प्रोसीड्योर फॉर एक्सप्रेसिंग द एससीएफ अनलेस रिमाइंडर बिकम जीरो इन डिवीजन प्रोसेस। दिस इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यानी एससीएफ को डिवीजन प्रोसेस से निकालना और उसको एक्सप्रेस करना उस डिवीजन प्रोसेस के स्टेप को जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आए उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें कि फाइंड द एफसीएफ ऑफ 255 एंड 867 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तो कैसे बनाएंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है ना, तो इसमें दोनों में जो बिगर है उसको आप लिखिए। दोनों में जो बिगर है उसको तो 867 बिगर हुआ ए बना एंड बी बराबर 255 है। और इसका ना रफ में हम लोग देखिए यहाँ किए हैं डिवीजन प्रोसेस निकाले हैं। 255 भाग दिया है 867 को 3 टाइम्स में, उसके बाद रिमाइंडर आया 102, फिर 102 डिवाइड करेगा 255 को, दो बार में रिमाइंडर आया 51, फिर 51 दो बार में जाएगा, कट के यहाँ खत्म हो जाता है। तो एससीएफ मेरा क्या बना, दो नहीं बना 51 बना। तो इसी स्टेप को लिखना है। तो एल्गोरिथम क्या है, तो डिवीजन प्रोसेस में एससीएफ जो हम निकालते हैं उस एससीएफ जो हम डिवीजन प्रोसेस में निकालेंगे पूरे डिवीजन प्रोसेस के स्टेप को वापस से लिखना जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, यही चीज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहां तक हम लोग फॉलो करेंगे। ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो गया, वेयर आर ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस देन बी। अब ए की वैल्यू क्या है 867, बी की वैल्यू 255 थ्री टाइम्स में डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 102 मिला था, फिर 255 को 102 डिवाइड किया दो बार में तो रिमाइंडर 51 मिला, फिर 102 को डिवाइड किया गया 51 के द्वारा दो बार में तो रिमाइंडर 0 मिल गया। तो एससीएफ ऑफ कितना 867 255 इक्वल टू 51। तो यानी एससीएफ निकाले किस प्रोसेस से निकाले, भाग लगाकर, दो तरीका होता है आप सीखेंगे अभी। तो डिवीजन प्रोसेस से एससीएफ निकालना और उनके हर एक स्टेप्स को लिखना, लिखते गए कब तक, जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, इसी पूरे प्रोसेस को डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है। तो 255 867 को भाग लगाए थ्री टाइम्स में 102 बचा, फिर ये 255 यहां आ जाएगा और 102 अब भाग लगाएगा दो बार में जैसे वहां किए हैं तो रिमाइंडर कितना मिला था 51, और 51 को फिर 102 को भाग लगाएगा तो 102 यहाँ फिर आ जाएगा और फिर 51 इसको भाग लगाएगा दो बार में तो रिमाइंडर जीरो आ गया। जैसे रिमाइंडर जीरो आएगा यही पर हम लोग रुक जाएंगे और ये सहूलियत तब होगा जब भी इस चीज को आप रफ में निकाल लें और वहां से इसको देख के लिख लें। तो देखिए अभी अभी आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सीखे, इसमें आपको यह बताया गया कि एससीएफ निकालना और डिवीजन प्रोसेस को वापस से एक्सप्रेस करना कब तक, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए, उसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। अब टॉपिक आगे है कि एससीएफ क्या है और एलसीएम क्या है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ाई है, फिर भी पुनः 10th क्लास में है तो एक बार और हम लोग इसको रिमाइंड करते हैं। एससीएफ क्या लिखा है, इट डिफाइंड एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन नंबर। यानी एससीएफ दो नंबर के बीच में वह हाईएस्ट संख्या है विच डिवाइड्स द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर को डिवाइड करे, ठीक है। यानी दो या दो से ज्यादा नंबर का वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो दिए गए नंबर को भाग लगाएगा। और एलसीएम क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लोएस्ट मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर। यानी एलसीएम दो या दो से ज्यादा नंबर के बीच में वह छोटा संख्या है जिसको दिया गया नंबर भाग लगाता है। फॉर एग्जाम्पल है ना 32 और 54 हम ले लेते हैं,
है ना, फाइंड द टेस्ट सीएफ एंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 54। तो क्या होगा इसका एचसीएफ और क्या होगा इसका एलसीएम। तो एचसीएफ तो ऐसे आप लोग डिवीजन प्रोसेस से ही पढ़े हैं, तो उसी से चलते हैं। तो 3254 है, तो एक काम करते हैं 3254 एक बार मिल जाएगा 32 हुआ, 25 में से 3 गया 2, यहाँ 1 0 1 10 से दो बार में ये हो गया कितना मिला है ना एचसीएफ 2 मिला ना। दो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 3254 इक्वल्स टू 25 नहीं 2 जिसमें भाग लगाया है, एचसीएफ 2 मिला। अब डिफिनेशन कराइए कि डिफाइन है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर व्हिच डिवाइड्स द इवन नंबर। ये तो क्या इवन नंबर को भाग लगाता है, तो इवन नंबर क्या है 32 है और 54 है, तो दो तो इसमें भाग लगा देता है। तो एचसीएफ वह लार्जेस्ट नंबर हुआ या वह फैक्टर बना जो दिए गए नंबर को भाग लगाता है। एचसीएफ जो भी आप निकालते हैं वह इवन नंबर को डिवाइड करेगा हर। अब आते हैं एलसीएम में, तो ऑल्सो एलसीएम में वही डिवीजन प्रोसेस जो आप सीखे हैं उसी से निकाल रहे हैं। तो कितनी बार में जाएगा, दो से चलते हैं 16 बार में और ये 27, इससे ज्यादा तो ये बढ़ नहीं पाएगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, इन सबका इंटू 2 × 16 × 27 ये हो गया कितना 32, ये हो गया 27। अब 32 27 का इंटू कर दीजिए, ये 14 1 21 22 फिर 4 फिर 6 4 6 और यहाँ 6 2 8 ठीक है, कितना मिला 864 ठीक है। 7 × 14 4 1 21 और 22 ठीक है, 2 2 4 64 4 6 4 2 6 और 6 2 8 864। तो अब एलसीएम यहाँ 864 है, तो देखिए तो एलसीएम क्या बताया गया, वह लोएस्ट यानी वह स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको दिया गया नंबर भाग लगाता है। 864 कभी भी 3254 को नहीं भाग लगा पाएगा, पॉइंट में चला जाए, लेकिन वही 32 इसको भाग लगा देगा और 54 भी इसको आसानी से भाग लगा देगा। तो दोनों में अंतर क्या सीखे कि एचसीएफ वह हाईएस्ट नंबर होता है जो दिए गए नंबर को भाग लगाता है, वही एलसीएम वह लोएस्ट नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, लीस्ट नंबर होता है जिसमें दिया गया नंबर भाग लगाए। जैसे यहाँ 3254 दिया गया नंबर है, तो 32 भी 864 को डिवाइड कर देगा, 54 भी 864 को डिवाइड कर देगा, यानी दिया गया नंबर भाग लगाए। वही एचसीएफ जैसे यहाँ मेरा 2 आया था, तो 32 इस 2 को नहीं भाग लगा पाएगा, रिवर्स समझेंगे 2 इस 3254 को भाग लगाएगा, यानी एचसीएफ में दिया गया नंबर में भाग लगता है। एलसीएम जो है, एलसीएम में क्या होता है कि दिया गया नंबर ही जो स्मॉलेस्ट नंबर आता है उसको डिवाइड करता है। तो डिफिनेशन से और एग्जांपल से ये टॉपिक क्लियर है। तो यहाँ देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि कितने मेथड होते हैं एलसीएफ और एलसीएम निकालने का। तो 2 मेथड्स होता है फॉर फाइंडिंग एलसीएफ एंड एलसीएम, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, दोनों से हम लोग सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन लिए हैं अभी, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 32 एंड 54 ठीक है, बाई लगा देते हैं इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे बनाएंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले 32 और 54 का फैक्टर निकाल लीजिए, ये 16 2 से जाएंगे सबसे छोटा, नहीं कि 4 से चला दिए, बेसिक से जाना है 2 से ही जाएंगे पहले। 16 हुआ फिर 8 फिर 4 फिर 2 2 4 2 एन जब गया फिर 54 हुआ, 27 हुआ फिर 9 हुआ फिर 3 3 1 हुआ 3 1 हुआ, 32 हो जाएगा 2 पर पावर 5, 54 हो जाएगा 2 × 3 पर पावर 3। और हमेशा जो भी नंबर्स मिलेंगे उनको पावर में लिखिए। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 32 एंड 54, 32 और 54 का एचसीएफ कैसे निकलेगा। तो एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन का मिनिमम पावर लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेते हैं। 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कॉमन का मिनिमम पावर 2 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 1 है, कॉमन तो 2 हो गया दोनों जगह है, उसका मिनिमम पावर 2 पर पावर 1। 3 यहाँ है 3 ऊपर नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे, यानी एचसीएफ में कॉमन का ही मिनिमम पावर ही लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेते हैं। ऑल्सो एलसीएम चाहिए
एलसीएम किसका 32 का चाहिए, ठीक है। तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उनका मैक्सिमम पावर, तो 2/5 जो कॉमन हुआ उसका मैक्सिमम पावर, जो कॉमन नहीं है उसको भी देखते हैं, यानी 32 × 27 कितना मिलेगा 864। तो दोनों में अंतर क्लियर है कि एचसीएफ में जो कॉमन होता है उसका मिनिमम पावर, जो कॉमन नहीं होता उसको नहीं लेना है। दो यहाँ है उसका मिनिमम पावर 2/1 है, वही लेंगे, 5 नहीं लेंगे। 3 यहाँ है, ऊपर 3 नहीं है, तो कॉमन 3 नहीं हुआ, नहीं लेंगे। तो कॉमन का मिनिमम पावर, एलसीएम में जो कॉमन है उनका मैक्सिमम पावर, और जो कॉमन नहीं है जैसे यहाँ 3/3 कॉमन नहीं उसको ही लेना पड़ता है। तो देखिए आप एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, लेकिन यहाँ 3 नंबर का आ गया। इससे पहले जो पढ़े थे 32 और 54 में दो ही नंबर था, अभी 3 नंबर है 60, 84, 108। तो 60 का वही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखें, 84 का लिखें और 108 का लिखें, और ये कॉपी पर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं ग्राफ में करके लिख रहे, नहीं सामने दिखाना। तो 60 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 × 5 हो गया। उसके बाद 84 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 × 7 लिखेंगे। 108 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब लिख देंगे। हो गया। अब हमको चाहिए एचसीएफ, तो एचसीएफ तो 3 नंबर का चाहिए, कैसे निकालना होगा 60, 84, 108 का 3 नंबर है, तो शुरू का 2 ठोक का कंपेयर करना पड़ेगा तीसरे के साथ। अब सोचिए कि 108 नहीं है, हमको 60 और 84 का एचसीएफ चाहिए, क्या करेंगे, कॉमन का मिनिमम पावर 2 और 2 दोनों जगह 2 है, कॉमन बना, उसका मिनिमम पावर 2 का स्क्वायर ही होगा, ठीक। 3 3 है, यानी 3 कॉमन हुआ, उसका मिनिमम पावर 3/1 ही है, और 5 × 7 कॉमन नहीं है, तो उसको नहीं लेंगे। अब ये 60 और 84 का एचसीएफ हम लिख दिए हैं, उसका कंपैरिजन तीसरे के साथ करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, कॉमन हुआ 2, उसका मिनिमम पावर, तो 2 दोनों जगह है यानी कॉमन हुआ, मिनिमम पावर 2 का स्क्वायर ही है, इसलिए 2 का स्क्वायर भी लिखे, इक्वल पावर हो जा रहा है ना। अगर 3 और 2 रहता तो हम 2 ले लेते, लेकिन यहाँ भी 2 का 2 है, यहाँ भी 2/2 ही है, तो हम क्या करें, वही लेना होगा। 3 यहाँ है, 3 का 3 यहाँ है, तो मिनिमम क्या हुआ, यानी कॉमन का मिनिमम पावर। तो यहाँ इसलिए इस क्वेश्चन को बताया कि 3 नंबर है, 3 नंबर का कैसे निकालेंगे, 3 नंबर में शुरू का 2 ठोक का आप एचसीएफ निकाल के यहाँ लिख दीजिएगा, उसका तुलना तीसरे के साथ करके निकाल, तीसरे के साथ मतलब अब ये 2 का स्क्वायर × 3 और ये इन दोनों के बीच का अंतर एचसीएफ निकालो, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, मतलब 2 कॉमन हुआ, कॉमन का मिनिमम पावर, और जो कॉमन नहीं है उसको नहीं लेते हैं, तो 3 और 3 का 3 दोनों जगह 3 है, उसका मिनिमम पावर 3/12 है, और इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम ऑफ 60, 84, 108 इनका एलसीएम क्या करेंगे, तो वही सेम प्रोसेस कि इन दोनों का सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो कॉमन का मैक्सिमम पावर, तो यहाँ 2 है 2 है दोनों जगह है, उसका मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर है, 3 और 3 दोनों जगह है, तो कॉमन का मैक्सिमम पावर, 3 कॉमन बना तो उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 ही हुआ, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना, 5 × 7। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करना है ना, तो 2 स्क्वायर है कॉमन बना दो, कॉमन का मैक्सिमम पावर 2 का स्क्वायर ही बनेगा, 3 हुआ 3 हुआ 3 कॉमन हुआ, कॉमन का मैक्सिमम पावर 3/3 और उसके बाद 5 और 7 दोनों 5 और 7 का है नीचे नहीं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं, 4, 27, 35 तो यहां पर मिलेगा 118 × 35, इसको आप इंटू कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 3 नंबर बताने का मतलब यह था, अभी भी यह था कि आप पहले सीखें कि 3 नंबर अगर दिया हो तो शुरू का 2 ठोक का एलसीएम या एचसीएफ जैसा क्वेश्चन में डिमांड है वो निकाल लें, शुरू का 2 ठोक का उसका कंपैरिजन वापस से तीसरे के साथ कीजिए। अगर आप एलसीएम की और आगे बढ़ रहे हैं तो शुरू का 2 ठोक का एलसीएम निकाल के यहां लिखिएगा जैसे हम लिखे, और उसका तुलना इसके साथ करके एलसीएम ही निकालिएगा, और एचसीएफ बोलेगा तो एचसीएफ। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर मतलब जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग एक्सप्रेस करते थे उस एचसीएफ निकाल के
उसके स्टेप को, तो उसको तो इक्विल डिविजन एल्गोरिथम कहा जाता है। लेकिन उसी पर बेस्ड प्रॉब्लम नॉन लीनियर कॉम्बिनेशन है जिसमें लिखा हुआ है कि एससीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो एम का मान निकालिए। तो एससीएफ इन दोनों नंबर का ऑलरेडी एक्सप्रेसिबल है इस फॉर्म में, तो एम का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले इन दोनों में हम लोग ए डिसाइड करेंगे और बी, तो ए और बी से जो फिगर होगा 1032 और b इक्वल टू कितना बना 408, देन बाय इक्लिप्स डिवीजन लेमा से हमें क्या मिलेगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर r की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस देन b। अब जो a की वैल्यू है वो आप रखिए 1032 और यहाँ 408, और इस चीज को हम लोग रफ में कर चुके हैं, इसी के स्टेप को लिखिए पहले ताकि आप इसको एक्सप्रेस कर पाए डिविजन एल्गोरिथम में। 408 कितनी बार में डिवाइड किया, दो बार में, तो 216 डिवाइड किया, फिर 408 यहाँ आएगा तो उसको 216 एक बार में डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बना 192, फिर 216 यहाँ आएगा, रिप्लाई राइट देते जाइए, और 192 वन बार में डिवाइड किया 24 मिला, फिर क्या होगा 192 को 24 डिवाइड करेगा 24 इंटू 8, तो ये आपको जीरो मिल गया। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 1032 408 कितना मिला 24। ठीक, ये तो एचसीएफ ऑफ निकाल लिया 24, लेकिन इफ एचसीएफ ऑफ 408 एंड 32 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, यानी जो एचसीएफ आया मेरा 24 वह इस रूप में एक्सप्रेसिबल है, तो इस 24 को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, एचसीएफ ही एक्सप्रेसिबल है 24, तो क्या करना चाहिए कि 24 को इतना के बराबर कीजिए और सॉल्व कीजिएगा क्योंकि एचसीएफ एक्सप्रेसिबल है और यहाँ पर केवल एक क्वांटिटी है बाकी तो एक ही है, तो 24 बराबर हम लोग क्या करेंगे इतना को वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर एचसीएफ बराबर 24 और 24 को ही एचसीएफ को ही एक्सप्रेस किया गया है 1032 एम माइनस 408 इंटू 5 इक्वल टू 24, क्या मिलेगा 1032 एम बराबर 24 प्लस 408 इंटू 5, 24 प्लस कितना मिलेगा 40 4 4 20, तो यहाँ हो गया 4 6 20 64 और यहाँ एम की वैल्यू इधर आएगा 1032, दो बार में जाना चाहिए तो एम की वैल्यू कितना मिल गया 2 मिल गया। तो करना कुछ नहीं था, सिर्फ एचसीएफ जो निकालेंगे 1032 का और 408 का, यह एचसीएफ जो भी आएगा वह एक्सप्रेसिबल है किस फॉर्म में, तो 1032 एम माइनस 408 इंटू 5, तो एचसीएफ जब इस रूप में मिल रहा है तो ये वाला फॉर्म को 24 के बराबर कीजिए और वहां से एम की वैल्यू को हम लोग निकाल देंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 65m प्लस 117m, यानी कहता है कि 65-117 का एचसीएफ निकालिए और उसको एक्सप्रेस कीजिए इस रूप में 65m प्लस 117m एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। तो बहुत सारा चीज है, सबसे पहले इसमें a और b डिसाइड कर रहे हैं, उनका एचसीएफ आप निकाल लें इस प्रोसेस से, इक्विल डिविजन एल्गोरिथम प्रोसेस से एचसीएफ निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ को हम लोग निकाल लिए 13 और इस एचसीएफ जो 13 आया इसको सबसे पहले एक्सप्रेस कीजिए, वह एक्सप्रेशन भी इतना के बराबर होगा तब जाकर एम और एन का वैल्यू आएगा। तो आप पढ़े थे कि जहां पर एचसीएफ मिला है जो वह रिमाइंडर के रूप में कहां पर है, तो एचसीएफ 13 आया है, 13 रिमाइंडर के रूप में कहां है, यहाँ है 1 हो गया और यहाँ आपका 2 हो गया। तो इस चीज को करने के लिए आप फर्दर लिख लीजिए यहाँ, और फर्दर के बाद एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ बराबर 13 है और इस 13 को ही आपको एक्सप्रेस करना है। तो 13 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 65 माइनस 52 इंटू 1 हो गया बराबर 13, यहाँ से 13 को लीजिए 65 माइनस 52 इंटू 1, फिर आप जाएंगे 52 फिर रिमाइंडर के
ग्रुप में कहां पर है। तो एचसीएफ 13 आया, इस 13 को ही आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो आप सीखे थे कि डिवीजन एल्गोरिथम है, तो 13 इक्वल टू क्या हो गया, 65 - 52 × 1। फिर क्या होगा, 52 को एक्सप्रेस करना है, तो 52 को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 52 को तोड़ना होगा, 1 - 17 - 65 × 1, ठीक है, और इनटू यहाँ 1 = 13। कैसे हुआ, तो 52 यहाँ रिमाइंडर के रूप में, यहाँ है 52 रिमाइंडर के रूप में, तो 52 = क्या होगा, ये उधर जाएगा तब ना 52 अकेला होगा, तो 52 = क्या बनेगा, ये उधर जाएगा, तो 1 - 17 - 65 × 1, तो 52 की जगह पर 52 की जगह पर 1 - 17 - 65 × 1 कर देना है, 52 की जगह पर, अब उसके बाद 1 है तो 1 वैसे ही करते हैं। अब क्या करना है कि इस देखिए तो और कोई चेंज करने वाला तो है नहीं, यहाँ पर 1 × 2 कीजिए, 65 - 1 × 2 करेंगे 117, फिर यहाँ पर है ना 65 × 1 करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा, या कर सकते हैं 1 - 17 × 1 इतना हुआ, और 65 × 1 × 1 65 ही बना, ठीक है 65 × 1। तो यहाँ 65 है और माइनस इंटू किए तो 117 × 1 117 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ 65 × 1 65 हुआ, तो यहाँ 65 + 2 हो गया और -117 = 13 बना। अब तो ये जो 13 है वो तो ऑलरेडी कह दिया था कि एचसीएफ जो है एक्सप्रेसिबल है इन द फॉर्म ऑफ इतना, तो ये उसी तरह से लिखना है 65 × 2 - 117 और 13 के जगह पर 65 m + 117 m लिख देना है एंड कंपेयर करना है, ये इसके साथ ये इसके साथ, तब m और n आएगा। ऑन कंपेयरिंग 65 × 2 = 65 m कट गया, तो m की वैल्यू कितना है 2 आ गया कंपेयर करने पर, और यहाँ है कितना माइनस साइन लगा के लेना है, -117 = 1117 m ये कट जाएगा, तो m की वैल्यू कितना मिला -1 मिला। तो कुछ नहीं करना था, बस आप एचसीएफ 13 निकाले और 13 के जो एचसीएफ निकाले उसको आप एक्सप्रेस किए किसमें, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में एक्सप्रेस करने के बाद आप कहां तक पहुंचते हैं, यहां तक पहुंचते हैं, क्योंकि 65 × 2 - 117 के बाद आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं है जिसको आप तोड़ पाएंगे, यहां तो आपको रुक जाते हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन में कहा था कि एचसीएफ जो है वह एक्सप्रेसिबल है 65 m + 117 m में, तो एचसीएफ तो 13 है और 13 = इतना हमको आया हुआ है इस स्टेप में 13 = इतना आया हुआ है, तो हम कैसे एम और एन निकालेंगे, तो इस 13 के जगह पर जो एचसीएफ उसके इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 65 m + 117 m के, उस 13 के जगह इनको लिख देना है रिप्लेस करके, है ना, तो लिख देंगे, लिखने के बाद कंपेयर करेंगे 65 वाला पोर्शन 65 के साथ और 117 के साथ, ये माइनस है इसको यहां लेना है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन में। लीनियर कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है, दिए गए नंबर का एचसीएफ निकालिए और एचसीएफ निकालने के बाद उसको एचसीएफ में ही एक्सप्रेस कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन बोला है एचसीएफ ऑफ 126 and 35 = 8। आप तो बताइए कि 126 और 35 का एचसीएफ एच हो सकता है क्या, नहीं होगा, वो तो दिया है ऐसे। इफ एच इज एक्सप्रेस, यानी जो एचसीएफ बना एच उसको एक्सप्रेस किया गया है 126 × a + 35 × b, देन प्रूव दैट a × b / h = -2। तो जब तक हमें a और b ना मालूम चले, h नहीं मालूम चले, तो हम कैसे -2 प्रूफ लाएंगे। उसके लिए हम लोग 126 और 35 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। ये एचसीएफ जो निकाले ये डिवीजन प्रोसेस से निकाले, डिवीजन में एचसीएफ निकालना और उसके स्टेप को लिखना कब तक, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आए, इसी पूरे प्रोसेस को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग यह भी कह सकते हैं कि 126 और 35 का एचसीएफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस से निकाल लिए, ठीक। वो इसलिए निकाला जाता है ताकि इस क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में जहां शब्द दे देता है कि एचसीएफ इज एक्सप्रेस्ड, जब एचसीएफ को एक्सप्रेस करने की बात आ जाती है तो वहां आपको देखना पड़ता है कि एचसीएफ क्या आया है और वह कहां कहां रिमाइंडर के रूप में है,
जैसे यहाँ HCF कितना बना, 7, 7 कहाँ रिमाइंडर के रूप में है, एक यहाँ पर है, उससे ऊपर कौन रिमाइंडर के रूप में है, 14, उसके ऊपर कौन रिमाइंडर के रूप में है, 21, तो इसको इक्वेशन मान लिया जाता है और इसी 7 को अब एक्सप्रेस करना है तभी लास्ट में जाकर बराबर कर पाएंगे। तो देखा था HCF इक्वल टू कितना बना, 7 बना, और 7 रिमाइंडर के रूप में यहाँ है क्योंकि HCF को ही इस रूप में एक्सप्रेस किया गया है, तो आपका भी जो HCF यहाँ 7 आया है उसको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा तभी दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा। तो 7 रिमाइंडर के रूप में यहाँ है, ये उधर जाएगा, 7 को इंडिपेंडेंट करना है, फ्री करना है, तो ये क्या होगा, 7 के लिए HCF बराबर 7, और 7 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 21-14 इंटू 1 हो गया, बराबर 7 लिखते जाना है। अब रिमाइंडर के रूप में कौन है, तो 14 है, तो 21 हुआ, 14 के लिए आपको लिखना पड़ेगा, 14 के लिए क्या, 35-21 इंटू 1, अब बाहर में यहाँ 1 है तो 1 लिख दिए, तो क्या किए, सिर्फ 14 को तोड़े इस रूप में। अब 14 के बाद रिमाइंडर के रूप में 21 है, तो अगर हम 21 को बैठाते हैं तो दो बार बैठाना होगा, तो हम इंटू कर देते हैं, इंटू करने के बाद 1-21 में बैठाने से प्रोसेस इजी पड़ेगा, यहाँ अगर 21 बैठाएंगे तो दो बार, इंटू करके बैठाएंगे तो 21 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर 126-35 × 3 वो एक ही बार बैठाना, इसलिए हम इंटू कर देंगे, 21-35 × 1 35 ही मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस 21 × 1 21 7, या इसको आप 21 भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 21 21 दो बार है तो 21 2 मिला, इस तरह से x प्लस x होता है ना 2x, उसी तरह से यहाँ पर इंटू करना नहीं है, सिर्फ इंटू शो करना है, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, 21 × 2 − 35 हो गया। अब 21 को देखिए क्या बना, 21 के जगह पर 126 − 35 × 3 कर देते हैं, और 2 है तो 2 रहने दीजिए, −35 कैसे किए, तो 21 को हमको लिखना है तो ये जाएगा 126 − 35 × 3, अब 126 × 2 होगा यहाँ पर, उसके बाद −35 × 3 = 6 हुआ, −35 हुआ इक्वल टू 7 हुआ, 126 2 हुआ, और यहाँ माइनस माइनस प्लस ही होगा, जुटेगा 35 × 6 और यहाँ 1 यानी 35 × 7 हो गया। अब तो ये फर्दर आगे बढ़ नहीं सकता क्योंकि 21 के बाद रिमाइंडर के रूप में कोई भी नहीं है, इसलिए अब क्या करेंगे हम लोग कि अब देखेंगे क्वेश्चन में कि HCF इज एक्सप्रेस्ड एज इतना, HCF क्या है, 7 है, 7 को ही एक्सप्रेस किया गया है वहां पर, ये वाला पोर्शन को वैसे ही उतार देना है, ठीक है, उतार देंगे, 126 × 2 हो गया यहाँ, और −35 × 7, और 7 के लिए वहां पर क्या करना होगा, 126 × a है ना प्लस 35 × b, क्योंकि 7 जो मेरा HCF आया वो HCF इस रूप में ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है, तो 7 के जगह पर ये क्वेश्चन से लेंगे, तो ऑलरेडी यदि 7 एक्सप्रेस था तो हम लोग ये क्या करिए, 7 को ऑलरेडी वो एक्सप्रेस है और ये जो क्वेश्चन में हम 7 को फिर से एक्सप्रेस करेंगे ताकि दोनों क्वांटिटी इक्वल करेंगे, उसमें अननोन एरर भी आएगा, तो देखिए अब कंपैरिजन करना अच्छा हुआ, अगर 7 को हम इतना ही लेके चलते तो हम वैल्यू क्या लगे, इसलिए जो मेरा HCF 7 आया था उसी के स्टेप को हम एक्सप्रेस किए और वह एक्सप्रेशन और दिया गया HCF का एक्सप्रेशन क्वेश्चन दोनों को बराबर कर दिए, यानी 7 HCF बराबर 7 हुआ, उसको लेकर चले लेके गए और लास्ट में जो ये 7 है उसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठा रहे हैं, कंपेयर कीजिएगा तो ये कितना मिलेगा, 126 × 2 और यहाँ 126 × a कट जाएगा तो a इक्वल टू कितना मिला 2 और यहाँ आ जाएगा 35 × 7 इक्वल टू 35 × b तो b की वैल्यू कितना मिली, कट गया −7, a और b तो मिल गया है। अब जो है a और b मिलने के बाद, जैसे a और b आपका मिल गया, a और b तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू हमें इसका निकालना है, therefore according to question या नाम देके भी लिख सकते हैं a into b बटे h को ही आपको निकालना है, तो a की वैल्यू कितना आया 2, b का वैल्यू −7
और H क्या है तो HCF है, HCF 7 है, हटा देंगे तो माइनस बचेगा एक, माइनस टू इसका आंसर हो जाएगा।